बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने टेस्ट लिया था, पीपीएससी ने टेस्ट लिया था, जिसको हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म पीपीएससी। जूनियर कलर का टेस्ट था, 11वां ग्रेड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिपार्टमेंट था, 2021 में ये पेपर हुआ। क्वेश्चन क्या कहता है कि जी द एवरेज एज ऑफ थ्री फ्रेंड्स इज 23, इवन इफ द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड्स इज एडेड द एवरेज बिकम्स 23, व्हाट इज द एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड। स्टेटमेंट को समझिएगा। वो कहते हैं कि जी तीन दोस्त हैं, उनकी एज का एवरेज, याद रहे कि वो एज नहीं बता रहे, एज की एवरेज बता रहे हैं, 23 है। वो कहते हैं कि उनका एक चौथा फ्रेंड अगर वो भी उनकी एज में शामिल किया जाए तो फिर भी उनकी एज की एवरेज 23 ही रहती है। तो आप हमें ये बता दें कि चौथे फ्रेंड की उम्र कितनी है। यहाँ पे वो उम्र पूछ रहे हैं और उम्र का एवरेज बता रहे हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, बहुत ईजी सवाल है। एवरेज वाले सवाल अक्सर आते रहते हैं पेपरों में, और इस तरह की मैंने बहुत सी पहले वीडियो बनाई है जिनमें ये एवरेज वगैरह वाला रूल अप्लाई होता है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने YouTube चैनल पे तमाम डिपार्टमेंट में होने वाले 2021, 22 और 23 में पेपर, उनकी प्लेलिस्ट बना दी, आप वो वॉच कीजिएगा। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वो भी देख लीजिएगा, उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वो बता रहे हैं कि जी एवरेज ऑफ थ्री फ्रेंड्स कितनी बताते हैं सवाल वाले, 23 है। तो हम लिखेंगे जी सम ऑफ एज ऑफ थ्री फ्रेंड्स, ठीक है। ये तो बिल्कुल सादा सा है, हर सवाल में तकरीबन ये दोनों काम ही होते हैं, एवरेज और उनका सम। तो सम निकालने के लिए हम 23 को टोटल जितने हैं, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा जी 69, ठीक हो गया। उसके बाद वो फिर हमें बताते हैं कि जी एवरेज ऑफ, मैं ए बी से जाहिर कर, एवरेज ऑफ फोर फ्रेंड वो कितनी है, वो भी 23 है। तो अब हम इसका सम लिखेंगे। याद रखिए एवरेज के बाद हमेशा हम सम की तरफ ही जाते हैं ताकि हमें आसानी हो। सम ऑफ एज ऑफ फोर फ्रेंड, तो 23 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 92। अब याद रखें जी ये जो 69 है ये तीन दोस्तों की उम्र है, और ये 92 जो है ये 4 की है। तो 92 में से ये 69 हम निकाल देंगे तो चौथे फ्रेंड की हमें उम्र मालूम हो जाएगी। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी तरीका। तो हम लिखेंगे जी एज ऑफ फोर्थ फ्रेंड इज 92 माइनस 69 इक्वल हो जाएगी जी 23, उसकी भी 23 एज है, ठीक है। ये उम्र आ गई, बी वाला ऑप्शन दुरुस्त है। उम्मीद है सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले, मैं आपको तफसील से समझा दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मुझे मोटिवेशनल मिलेगा और मैं आप लोगों की इस तरह खिदमत करता रहूँगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।